हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू शर्मा। आज की जो हमारी क्लास है वो स्टेनोग्राफर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज 6 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का, उनका हम रिव्यू करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। एंड आज की क्लास में हमने जीके के क्वेश्चंस लिए हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं कि हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का करंट चीफ जस्टिस कौन है? तो वो है रंजन गोगोई। ओके, सेकंड, हु इज द करंट लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के अभी करंट में स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन, इन सबको तो आप जानते होंगे, वेल नोन क्वेश्चन था ये। थर्ड था हमारा, विच प्लेयर वॉज रिसेंटली अवार्डेड राजीव खेल रत्न अवार्ड। तो ये देखो, एक तो ये विराट कोहली को भी मिला है, तो इसमें ये स्पेशल नहीं किया गया था कि क्रिकेट से ही, कि क्रिकेट के प्लेयर का ही पूछा गया है। तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या था, क्योंकि जो एक वेट लिफ्टर है हमारी, साइखोम मीराबाई छानू, इनको भी मिला है, और विराट कोहली। तो आपके ऑप्शन में जो भी था वो इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इसको याद कर लीजिए कि आप क्या एग्जाम में आ सकता है। हु वॉज द बासवा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बासवा कौन थे? ये फिलोसोफर थे, ये इसका आंसर है। इन आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दिया है कि ये 12th सेंचुरी के ना फिलोसोफर थे, यानी ये क्या करते थे, कन्नड़ा के पोइट थे, कन्नड़ लैंग्वेज के। एंड ये कब के थे, ये थोड़ा देख सकते हैं, ये कालाचूरी डायनेस्टी के टाइम पे थे, किंग बिजालाल के टाइम पे, इन कर्नाटका में। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द थर्ड स्टेट इन स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में थर्ड स्टेट की रैंक पे कौन है? चंडीगढ़। फर्स्ट के पे इंदौर मध्य प्रदेश था, सेकंड पे भोपाल। नीति आयोग वाइस चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं वो आप सब लर्न कर लेना। द बैटल ऑफ बक्सर किस कब हुआ था? ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764। किसके बीच में हुआ था? ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर थे शाह आलम सेकेंड। नेक्स्ट, विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये 2018 कब ऑब्जर्व किया गया? ये किया गया था 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। ओके, अभी 2018 में। ये हृदयनाथ, ये अवार्ड है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट कैश अमाउंट। इसका जो कैश अमाउंट है वो पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया था, तो ये है 1 लाख। स्पार्क की फुल फॉर्म पूछी गई थी, स्पार्क की जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड एकेडमिक एंड रिसर्च कोलेबोरेशन। ये लर्न कर लेना, जो फुल फॉर्म है, एक तो एग्जाम में पूछी ही जा रही है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हो। विच गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग हबर्स हबर्स प्रोसेस, हबर्स प्रोसेस के टाइम पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? वो है अमोनिया गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंचुरीज ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली टिल 23rd अक्टूबर 2018 तक, इन्होंने कितनी सेंचुरी हुई है इनकी? तो रोहित शर्मा ने बनाई है 20 एंड विराट कोहली ने बनाई है 36। ओके, ये है 23rd अक्टूबर 2018 तक। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये हिस्ट्री का चलो एक क्वेश्चन पूछ ही लिया इन्होंने। इसका जो आंसर था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट करते हैं, हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ मुगल। मुगल का फर्स्ट किंग कौन था? बाबर। कब आया था इंडिया में? 1526 ईस्वी में बाबर आया था, पानीपत की पहली लड़ाई जब हुई थी। मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूछा गया है करंट अफेयर से, हर्षवर्धना। करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 50% क्वेश्चन किससे थे? करंट अफेयर से थे। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मैनी डबल हंड्रेड पार्टनरशिप हैव इन ओडीआई बिटवीन विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। ओडीआई के में विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ने पार्टनरशिप में कितने डबल हंड्रेड मारे हैं? तो वो है 5। ये पूछा गया है कि असम की स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है हिमा दास। हिमा दास को ना दिहांग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, आप याद कर लेना कि दिहांग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? हिमा दास को। और ये कौन है?
ये एक इंडियन स्प्रिंट रनर हैं, ठीक है। ये असम स्टेट से ही हैं। शी होल्ड द करंट इंडियन नेशनल रिकॉर्ड इन 400 मीटर विद अ टाइमिंग ऑफ 50.79 सेकेंड्स। ओके, ये आपको पता कर लेना। और ये एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया में। इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हिमा दास कहाँ से हैं, असम से हैं। क्या करती हैं ये रनर हैं। ओके, और किस कितने मीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, 400 मीटर की रेस में। और ये कहाँ पे हुए थे अभी एशियन गेम्स, जकार्ता इंडोनेशिया। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू स्टार्ट ट्रेड विद इंडिया, तो वो थे पुर्तगाल। ओके, आप इंग्लिश नहीं लगाना इसका आंसर, पुर्तगाल ने किया था, ब्रिटिश ने नहीं किया था ट्रेड जो इन्होंने स्टार्ट किया था पुर्तगाल के साथ में। और जो कुछ क्वेश्चंस थे वो जो पूछे गए थे मैंने बताया इसमें। वन क्वेश्चन था आपका कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग पूछा गया है। तीन से जो चार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टैगोर अवार्ड से, टैगोर अवार्ड जिसको मिला है, पूरी लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी। एंड नोबल प्राइज, ओके, ये भी आपको पूरा का पूरा लर्न करना है क्योंकि एक ना क्वेश्चन इससे पूछा ही जा रहा है। और क्वेश्चन एक रिलेटेड था, कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट, ठीक है। तो अभी आपको जो लर्न करना है वो है नोबल प्राइज एंड टैगोर अवार्ड, एंड अभी जो हाल फिलहाल में जो जैसे खेल रत्न अवार्ड वगैरह ये हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इंग्लिश और रीजनिंग में क्या पूछा, इंग्लिश तो नॉर्मल ही है, थोड़ा पजल करके इसको दे दिया गया है, बाकी इंग्लिश में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी आ रहा है पेपर। हाँ, जो रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें थोड़ी बहुत चीजें कह सकते हो वैसे इजी टू मॉडरेट है, कुछ चीजें थोड़ा हार्ड लेवल में जा रही हैं। लेकिन GSF फिफ्थ, जो 5th फेब को एग्जाम हुआ था उस टाइम पर बच्चे इजी बता रहे हैं, लेकिन अब बता रहे कि थोड़ा लेवल बढ़ गया है। कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छे से देना। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड लाइक करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।